स्ट्रैटेजिकली मेहनत करें तो और उस एग्जाम का पैटर्न एक बार अच्छे से समझ पाए हर स्टेट जुडिशरी को का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी अलग होती है जैसे राजस्थान स्टेट जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी हाईकोर्ट होती है कोई अलग एग्जाम अगर है दैट मीन्स टू से कि अगर कोई अदर स्टेट का एग्जाम है तो हो सकता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वहां का एग्जाम कंडक्ट कराए सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसमें रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन देख सकते हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरजेस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है अब जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएगी बट जो प्रीवियस नोटिफिकेशन रहे हैं उसके अनुमान के हिसाब से या उनको पढ़ते हुए हमने अनुमान लगाया कि आ, आगे आने वाली वैकेंसी में भी यही क्वालिफिकेशन रहती है यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है यही सिलेबस रहता है हालांकि आरजेस ट्वेंटी ट्वेंटी की वैकेंसी के दौरान थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था जहां पे तीन नए माइनर लॉस को एड कर दिया गया था सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या होता है एलिजिबिलिटी में सिंपल चीज है कि आपने एलएलपी कर लेनी चाहिए थ्री इयर्स एल हो सकती है फाइव ईयर्स एल हो सकती है सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम आर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है आप बिल्कुल एलिजिबल हैं लेकिन एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी सबसे पहले जरूरी यह है कि आप 21 वन ईयर्स अपव होने चाहिए एंड बिलो 40 ईयर्स होने चाहिए इस एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया और डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी यू बिलोंग टू दैट इज टू से अगर कोई स्केड्यूल का स्केड्यूल ट्राइव या ओबीसी है क्रीमी क्रीमिलियर तो उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल सकता है वुमेन के मामले में भी या विडो के मामले में भी थोड़ी एज रिलैक्सेशन दी गई है और अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप राजस्थान हाई कोर्ट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारे नोटिफिकेशंस को चेकआउट करेंगे और अनऑफिशियल वेबसाइट पर किसी पर भी आपको रिलाय गलती से भी नहीं करना है सेकंड क्वालिफिकेशन जो है वो ये कहता है कि आपने एक बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्रोफेशनल डिग्री होल्ड की जानी चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी से विच स्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया एंड बाय एज सच अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत रिकोगनाइज की गई है इनफैक्ट मैं बोलूंगी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी ने मान्यता प्राप्त की है यूजीसी को जिसने मान्यता दी है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकोगनाइज करता है वो मैं कहूंगी कि सही यूनिवर्सिटी होगी अब सवाल ये उठता है कि जब हम फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं एलएलबी में तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बस प्रोवाइडेड कि मेंस के एग्जाम तक आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए हाउएवर यू मस्ट एक्वायर द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिफोर मेन्स एग्जामिनेशन एंड सबमिट द प्रूफ टू द रजिस्ट्रार ऑफिस राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर विद इन सेवन डेज ऑफ होल्डिंग द मेंस एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन होने के सात दिन के अंदर अंदर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये दर्शाए कि आपने अपना फाइनल कंप्लीट कर लिया है वो आपको सबमिट करनी होगी अब चलेंगे हम देखेंगे क्या पैटर्न होता है इस का, क्या होते हैं? तो जुडिशियल होता है प्रीलिमिनरी स्टेज मेन स्टेज होता है, है इंटरव्यू अब अगर प्रिलिमिनरी का मार्क्स और सिलेबस देखेंस का मार्क्स और सिलेबस देखें तो मार्क्स डेफिनेटली डिफरेंट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिफरेंट है लेकिन सिलेबस एज इट इज स्ट्रेट अवे सेम है दोनों ही कैटेगरी में तो मैं अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करूं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है जहां पे आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं चारों में से कोई एक ऑप्शन को आपको मार्क करना होता है ऑफलाइन पेपर होता है पेन पेपर मोड पे होता है हंड्रेड मार्क्स का ये पेपर होता है जहां पे आपको मिलते भी हंड्रेड क्वेश्चन है अगर बात करें रिटर्न एग्जाम की तो ये तीन मार्क्स का पेपर होता है जहां पे आपके पास फोर पेपर होते हैं चार पेपर करने को होते हैं दो दिन में ये आपका पेपर होता है अलग अलग शिफ्ट में दो दिन में ये पेपर होता है फाइनली पैंतीस मार्क्स का आपके पास इंटरव्यू होता है अब देखते हैं प्रिलिमिनरी का पैटर्न क्या है क्या सारा सिलेबस है तो प्रिलिमिनरी के पैटर्न में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है टू आवर्स होता है लेकिन स्टूडेंट्स ये हंड्रेड मार्क्स में ये जो अट्ठारह सब्जेक्ट तो आपके पास है लेकिन इस हंड्रेड मार्क्स के अंदर स्टूडेंट्स डिविजन कुछ इस प्रकार है कि सेवेंटी मार्क्स का आपके पास लॉ आने वाला है एंड थर्टी मार्क्स का आपके पास ग्रामर आने वाला है अब ये ग्रामर कौन सा रहेगा ये ग्रामर या तो या तो नहीं मैम हिंदी एंड इंग्लिश ही रहता है हिंदी और इंग्लिश रहता है दैट मीन्स सेवेंटी मार्क्स का लॉ रहेगा थर्टी मार्क्स का ग्रामर जिसमें से पंद्रह आएगा हिंदी व्याकरण का एंड पंद्रह क्वेश्चन मतलब पंद्रह मार्क्स के लिए आपको देखेगा इंग्लिश ग्रामर तो आपको ये सब कुछ पढ़ना है हिंदी ग्रामर हिंदी इंग्लिश जितनी अच्छी आपकी प्रिलिमिनरी में होगी उतना ही आपको मेन्स में फायदा होने वाला है तो 70 मार्क्स के लिए लॉ में हमारे पास 18 सब्जेक्ट्स हैं शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एविडेंस लिमिटेशन टीपी एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लोकल लॉ के नाम पे सिर्फ एक लॉ है राजस्थान रेन कंट्रोल सीआरपीसी आईपीसी जेजे एक्ट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर सेवेंटीन पढ़ना है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट डीवी एक्ट पॉक्सो एक्ट prevention of women from sexual harassment at workplace act indecent representation act ये तीन सब्जेक्ट्स आपके आरजेएस के 2021 के सिलेबस में ऐड किए गए थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली वैकेंसी में भी यही सब्जेक्ट्स आपके पास देखने को मिलेंगे अब देखेंगे हमारे प्रीलिiminary में हिंदी और इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है हिंदी में 15 मार्क्स की आती है और इंग्लिश भी 15 मार्क्स का आता है

अर्ध तत्सम तद्भव देशी विदेश टाइप के आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे संज्ञा है सर्वनाम है विशेषण है क्रिया है अव्यय है उसके बाद शब्द ज्ञान में पर्यायवाची हो गए विलोम शब्द हो गए शब्द हो चुके हैं शब्द शुद्धि हो सकती है कहीं पर कोई गलती है त्रुटि है मात्रा की हो गई है व्याकरणीय कोटियां जैसे प्रसर्ग हो गया लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति वाक्य रचना हो चुकी है वाक्य शुद्धि आपको देखना है विराम चिन्ह देखना है मुहावरे लोकोक्ति और आपकी पारिभाषिक शब्दावलियां तो ये सारी चीजें आपको हिंदी ग्रामर में पढ़नी है अगर अच्छे से हिंदी ग्रामर पढ़ने बैठो तो ये सिलेबस हार्डली दो महीने का है चलेंगे मेंस मेंस के पेपर्स की तरफ तो मैंने बोला स्टूडेंट्स में आपके पास पेपर होते हैं चार में से आपके पास दो लॉ के पेपर होते हैं दो लैंग्वेज के पेपर होते हैं लॉ में फर्स्ट पेपर होता है आपका सिविल का फर्स्ट पेपर होता है स्टूडेंट्स किसका फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर होता है सिविल का एंड सेकेंड पेपर होता है क्रिमिनल का तो जो सिविल का पेपर है वो होता है हंड्रेड मार्क्स का तीन घंटे मिलते हैं आपको और उसके साथ होता है आपका लैंग्वेज का पेपर पेपर वन हिंदी ऐसे मिलेगा पेपर टू आपको मिलेगा किसका

ऑर्डर राइटिंग एंड जजमेंट राइटिंग ज़ाहिर सी बात है कि सिविल लॉ है तो ऑर्डर ही आएगा ऑर्डर आएगा, आएगा, डिक्री जजमेंट राइटिंग आएगा क्योंकि सिविल है और अगर क्रिमिनल होगा तो क्रिमिनल में ऑर्डर नहीं आएगा आदेश नहीं आएगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा तो जहां यहां पे दस चीजें आपके पास सिविल में आ रही है वहीं पर क्रिमिनल में आपके पास ग्यारह चीजें देखने को मिलेगा मेन्स के पेपर में पहला आता है सीआरपीसी इंडियन एविडेंस आईपीसी जेजे एक्ट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें चैप्टर नंबर सेवेंटीन पढ़ना है सिर्फ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट डीवी एक्ट पॉक्सो पॉश इनडिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो ये सब वही सब्जेक्ट्स है एज इट इज जो कि हमने प्रिलिमिनरी में देखे बस मेंस में आपको एक और क्या यहां पे देखने को मिलता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग देखने को मिलती है जो धीरे धीरे आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्किल्स उतनी अच्छी हो जाएगी इसके ऊपर अब नोट देखने लायक ये है स्टूडेंट्स कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आता है कि प्रिलिमिनरी में बैठते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मेन्स में जाने वाले हैं ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी आई है नंबर ऑफ सीट्स हमारी उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कितनी आई है जो भी नंबर ऑफ सीट्स रहेगा उसका 15 times, 15 नहीं है है, है उसका 15 times में बुलाया जाता है, और जो भी number of seats, जितनी भी जितनी आई है हमारे वेकेंसी में उसका थ्री टाइम्स इंटरव्यू में बुलाया जाता है उसके थ्री टाइम्स इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं इसी बात पे हम नोट पढ़ेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड इन मेंस एग्जामिनेशन विल भी times the total number of vacancies. Fifteen percent? and I fifteen times. Fifteen times.

प्लस 40 परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट मेंस एग्जामिनेशन मतलब हर लॉ पेपर में आपको 35 परसेंट मार्क्स तो लाना है एंड पूरे मेंस एग्जामिनेशन मतलब लॉ पेपर वन लॉ पेपर टू लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू चारों पेपर में मिला के फोर्टी परसेंट मार्क्स अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम आरजेस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की वैकेंसी कब आएगी अनुमान सब लगा रहे हैं कहने को तो अनुमान मैं भी लगा दू लेकिन अगर वेकेंसी नहीं आई तो क्या हो सकते हैं किसी को कहीं से गुप्त सूचना मिल रही है किसी का कोई सोर्स है अगर है भी तो भी ये काफी समय से अनुमान लगाया जा रहा है साल के शुरुआत से अनुमान लगाया जा रहा है इनफैक्ट पिछले साल से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है पिछली वैकेंसी का प्रिलिमिनरी एग्जाम खत्म हो गया मेंस खत्म हो गया इंटरव्यू हो गया रिक्रूटमेंट हो गई ट्रेनिंग भी कब की इन लोगों की लगभग समाप्ति पर आ चुकी है तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वैकेंसी आएगी कब और किसको पता है सच ये है कि एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है अनुमान सब लगा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन अनुमान पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए खुद की तैयारी इस तरीके से करो कि अगर रेरेस्ट ऑफ द

के लिए खुद को सफिशियंट मानो या केपेबल हो या इतनी प्रिपरेशन आपने सुनिश्चित कर ली होनी चाहिए अब सवाल यह उठता है आखिरी कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सबसे पहले आपको उसका पीवाई क्यू देखना है क्योंकि सिलेबस तो मैंने आपको दिखा दिया सिलेबस तो सबसे पहला काम होता है उसके बाद होता है उसका पीवाई क्यूज देखना तो आरजेएस में जितने भी पीवाई क्यूज आए हैं अभी तक जितने भी आरजेएस की वैकेंसीज हुई है पिछले 20 सालों में वो सारे पी क्यूज उठा के आपको अच्छे से देखने पीवाई क्यूज देखने से बेसिकली आपको क्वेश्चन का फ्रेमवर्क पता चल जाता है वो एरिया ऑफ क्वेश्चन पता चल जाता है जहां से आपकी रिक्रूटिंग अथॉरिटी आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देती

PYQs देखने के बाद आरजीएस के पीवाई देखने के बाद आपको अदर स्टेट के पीवाई एनालाइज करने हैं क्योंकि अगर आप बाकी स्टेट के पीवाई देख लोगे मान के चलो अगर बाकी स्टेट और राजस्थान का PYQ मिला के चलोगे कम से कम आपके पास सौ क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और सौ क्वेश्चन पेपर मतलब लगभग आप दस हजार क्वेश्चन को मिनिमम बोल रहे हो कहीं पर हो सकता है डेढ़ सौ क्वेश्चन भी आए मिनिमम आप दस हजार क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद अगर उस एग्जाम में बैठते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और यह अक्सर का ट्रेंड रहा है एक स्टेट ज्यूडिशरी का पेपर दूसरे स्टेट में कई बार उनके रिपीट देखने को, मिलते हैं। और साथ जो को नहीं करना है इसको आपने डे वन से कर देना है यह स्ट्रेटेजी मैं हर स्टूडेंट को बोलूंगी और अगर आप एक डेढ़ साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए या एक डेढ़ साल बाद अपियर

आंसर राइटिंग आर्ट है एक स्किल है जहां आप अच्छी तरीके से खुद के सारे कॉन्सेप्ट्स को अभिव्यक्त कर सकते हो तो ये था मेरी तरफ से आपके साइड से आपके लिए आरजेएस की अपडेट्स और वेकेंसी की अपडेट्स पर आप भरोसा ना करें अच्छे से पढ़ाई करें इस साल वेकेंसी नहीं आती है तो ट्वेंटी ट्वेंटी में फॉर श्योर आरजेएस की वैकेंसी आने ही आने वाली है तो जो आंकलन किए जा रहे हैं उस आंकलन पे अपना प्रिपरेशन डिपेंड करोगे तो हमेशा डर लगा रहेगा और हमेशा ये लगेगा कि मेरे पास समय कम है या कुछ लोग ये अनुमान लगाएंगे कि चलो अगले साल पेपर है ना तो आराम से रिलैक्स कर लेते हैं खुद को हमेशा यही समझाओ कि अगर अगले दो महीने में भी मेरा पेपर हो जाता है तो मैं रेडी हूं उस पेपर के लिए तो विदाउट थिंकिंग अबाउट वेन द एग्जाम इज गोइंग टू टेक प्लेस वेन द डेट्स आर गोइंग टू बी डिक्लेर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एज इफ यू हैव टू अपेयर फॉर द एग्जाम इन नेक्स्ट अपकमिंग टू मंथ So, that was all from my side in today's session. I hope you have enjoyed the session. We will meet in another session. Till then, thank you. Thank you so much.